तो दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फैक्ट्री की मशीन से बनने वाली प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की कॉस्मेटिक आइटम्स और हमारे डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाकर तैयार किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम इन वीडियोस को काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायपर फैक्ट्री। दोस्तों, डायपर बनाने की शुरुआत पॉलीप्रोपाइलिन नाम के एक डिस्पोजेबल मटेरियल से की जाती है। इस मटेरियल के बड़े से रोल को मशीन पर चढ़ाकर मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। पॉलीप्रोपाइलिन नाम का मटेरियल गीलेपन को बाहर नहीं आने देता, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा डायपर में इस्तेमाल किया जाता है। डायपर के बीच में जो मटेरियल होता है उसे क्रिस्टल या फिर जेल के रूप में ना जाना जाता है। यह जेल पानी को काफ़ी अच्छी तरीके से सोख लेता है और इससे डायपर लीक भी नहीं होता। इस सूखे रुई जैसे दिखने वाले जेल की लेयर को लगाकर डायपर पर रख दिया जाता है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि पूरी रफ्तार से डायपर को तैयार करती है। अब डायपर्स के दोनों साइड में चिपकाने के लिए कागज़ के नॉन हार्मफुल वाले स्टिकर्स को लगा दिया जाता है, जिससे डायपर बच्चों के ऊपर चिपक जाता है। अब बाद में हर एक डायपर को साइज़ के हिसाब से काट कर अलग अलग किया जाता है और आखिर में डायपर के पीछे कंपनी का नाम और लोगो लगाकर इसे पैक करने के लिए भेज देते हैं। पैकेजिंग करने के दौरान हर पैकेट के अंदर साइज़ के हिसाब से और अलग अलग वजन के हिसाब से इन्हें पैक किया जाता है। इसे कंपनी के कवर में डालकर पैक कर दिया जाता है। इन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके और बिना किसी डेंजरस केमिकल की मदद से बनाया जाता है, इसलिए यह बिल्कुल सेफ होते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह डिस्पोजेबल होने की वजह से इन्हें आप यूज़ करने के बाद आराम से फेंक भी सकते हैं। फाउंडेशन क्रीम फैक्ट्री। दोस्तों, फाउंडेशन क्रीम जो कि लड़कियां ज़्यादातर मेकअप करने से पहले यूज़ करती है ताकि फेस को एक तरीके का स्किन टोन मिल सके, फैक्ट्री में इसके कई सारे अलग अलग तरीके के वेरिएंट बनाए जाते हैं क्योंकि कई लड़कियों को अलग अलग स्किन टोन चाहिए होता है। इसे बनाने की शुरुआत में रॉ मटेरियल के तौर पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पैराबीन्स, सोडियम लॉरेट सल्फेट, टेलकम पाउडर और वैक्स जैसी चीज़ों को पानी और ऑयल के मिश्रण के साथ डालकर एक बड़े से कंटेनर में मिक्स किया जाता है। यहाँ एक बेस लेयर बनकर तैयार हो जाती है, जिसके अंदर अलग अलग कलर के हिसाब से आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे केमिकल्स को डालकर अलग अलग रंग बनाए जाते हैं, जहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से 100 ml और 200 ml के फाउंडेशन क्रीम को ट्यूब में डालकर पैक किया जाता है। लिपस्टिक फैक्ट्री। दोस्तों, लिपस्टिक लगाना तो कई लड़कियों को पसंद होता है। लिपस्टिक के चटकीले कलर्स की वजह से लड़कियां और भी सुंदर दिखने लगती है। फैक्ट्री में लिपस्टिक को बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। इसके लिए बहुत सारा वैक्स, ऑयल और कलर पिगमेंट के साथ साथ पैराबीन और BHT जैसे केमिकल्स को भी कई सारे लिपस्टिक्स में मिलाया जाता है। इन सभी को कलर्स के साथ मिक्स करके लिपस्टिक के कलर को तैयार किया जाता है। अब इन सब को एक ब्लेंडिंग नामक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहाँ पर इसे अच्छे से पीसा जाता है। इसके बाद एक तैयार वैक्स और ऑयल के मिक्सचर को मिक्स करके सांचों के अंदर भरा जाता है।
इन्हें सांचों में भरकर कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और आखिर में तैयार लिपस्टिक को डब्बों में डालकर पैक कर दिया जाता है। टेलकम पाउडर फैक्ट्री। दोस्तों, साल भर हम जो अलग अलग ब्रांड्स और खुशबू की पाउडर यूज़ करते हैं, उन सभी को बनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। बस इसमें खुशबू के हिसाब से अलग अलग फ्रेग्रेंस डाली जाती है। टेलकम पाउडर को फैक्ट्री में बनाने की शुरुआत स्टीयटाइट या फिर सोप स्टोन को काटने से होती है। टेलकम पाउडर को इन्हीं पत्थरों से चूरा करने के बाद बनाया जाता है, क्योंकि इन पत्थरों में मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है और यह पत्थर नमी को काफ़ी अच्छे से सोख लेते हैं। अब इसे बड़े बड़े कटिंग मशीन में डालकर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन्हें अच्छे से पाउडर करके चूरा किया जाता है। पाउडर के बन जाने के बाद इन्हें अलग अलग प्रक्रियाओं से छाना जाता है। बिल्कुल बारीक पाउडर को ही आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और टेलकम पाउडर के बनाने के आखिरी प्रोसेस में इसके अंदर खुशबू और अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिलाकर प्रिजर्वेटिव्स के साथ पैक कर दिया जाता है। अब इस पाउडर की पैकेजिंग के लिए एक अलग प्लांट में ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हर घंटे कई हजारों पाउडर को कंपनी के इन डब्बों में डालकर पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे तेजी के साथ इन्हें पैक किया जाता है। कंपनी का लोगो लगे इन डब्बों के अंदर तय मात्रा के अंदर पाउडर को डालकर इन पर ढक्कन लगाया जाता है और फिर इन्हें सील करके पैक कर दिया जाता है और सबसे आखिर में कंपनी के पैकेट में डालकर इन्हें प्लास्टिक के रैपर में सील कर दिया जाता है। टूथब्रश फैक्ट्री। दोस्तों, हम जो डेली टूथब्रश यूज़ करते हैं उसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले उसके प्लास्टिक के पार्ट को बनाया जाता है, फिर इस पर कलर के हिसाब से अलग अलग कलर और पैटर्न को बनाया जाता है। एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से यह सारा काम बहुत ही तेज़ी के साथ किया जाता है। फिर आखिर में इन टूथब्रश के छेद में प्लास्टिक के धागों को लगाकर इन्हें अंदर लगाकर भर दिया जाता है और इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर हर घंटे 5000 से भी ज़्यादा टूथब्रश को बनाकर तैयार कर दिया जाता है।